Ma'am, I would like you to give this to Sutar sir. This is like he is very senior to us and we need his blessing as well. Hero of Delhi. Pranam, Mohan, family. गणपति भी नया शुरू होने वाला है सर, और इसकी तो इस टाइप में है कि लोग तीन तीन दिन चार चार दिन रात में लगते हैं इसके दर्शन के लिए। ये बाल गंगाधर तिलक ने जब ये मूवमेंट को कलेक्ट करना था या बात करनी थी, जब अंग्रेजों ने बैन लगा दिया था, तभी उन्होंने जहाँ पे रह के बॉम्बे में जिस चौल में रह के मूवमेंट चालू किया था, ये वो जगह है। और आज भी गणेशा उतने ही साइज में और वैसे ही वो लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। आज इसको 103 साल 104 साल हो गए। सो ये पिक्चर बहुत सिंपल है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सब उसके बाद है जो ये पहले है। बहुत ये सर गणपति का जो मॉडल बनाया ना उसमें उन्होंने पर्ल लगाया, ये पर्ल के गणपति हैं और उसमें फाइनल टच चल रहा है गणपति का। ये मैम एक डिफरेंट साइज के गणपति हैं जो विसर्जन के लिए जा रहे हैं। जी देखिए, लेकिन मैम बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गणपति की पूजा करते हैं और गणपति अपने पास ही रखते हैं, फिर अगले साल वापस से। बहुत सारे लोग एक उनका स्टेशन है जो लास्ट उसमें जाता है विसर्जन के लिए, विसर्जन से है वो बरसात होगी। ये वाला पिक्चर में आप देखेंगे तो इसमें देखिए बरसात में भी कितना पब्लिक जो है। सो और ये विसर्जन के लिए मैम सब इकट्ठे हो जाते हैं और फिर बाद में इनको ट्रेन अंदर लेके जाते हैं, लोग करते करते टंग से खींच के लेके जाते हैं। ये एक्चुअली जो पंडाल सकते हैं ना बड़े बड़े, जैसे ये इधर से लाइट लोग गणपति जी को ये विसर्जन के टाइम पे मैम जब भी विसर्जन होता है सब इकट्ठे लेके इनको अंदर लेके जाते हैं ढक करके। और ये कहें कि मैम जब गणपति को घर लेके जाते हैं पूजा करने के लिए तो ढक के लेके आते हैं कि हमारे गणपति को नजर ना लगे। मैम यहाँ से हमारी होली शुरू होती है, ये गोकुल की होली है जहाँ पे श्री कृष्ण जी गोपियों के साथ में गोकुल घाट पे होली खेलने जाएंगे, तो उनकी यात्रा निकल रही है अपने मंदिर से गोकुल घाट पे। और नीचे बैठ गया तो ये हाँ मैम ये मथुरा से 52 किलोमीटर दूर थे पाली गांव में, लेकिन ये मेरे को अभी पता चला जब मैं होली की डिटेल में गया। 52 किलोमीटर दूर मथुरा में एक विलेज है जहाँ पे बड़ी सी होली, जितना बड़ा ये रूम है इतनी बड़ी लेंथ में होली जलाते हैं, उसके ऊपर एक बंदा सुबह 4:30 बजे मुहूर्त पे ये क्रॉस करता है उस होली। ये बहुत सिंपल होटल है लेकिन इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है। और ये तब से चला रहा है जब प्रहलाद जी हैं, जब वो बैठा था ना, वो जो स्टोरी है ना मैम उसको फॉलो करते हैं वो। और ये एक पांडा फैमिली है जो क्रॉस करती है इसको और कोई इसकी इतनी डर से नहीं लेता। सो मैम ये कपड़े जो है ना, ये आदमी जो है ना जो पहले 40 साल से कर रहा था, ये उसका भतीजा है जो उसने अपनी 42 साल की उम्र में ये शुरू किया कूदने को, ये पहला चांस है। तो इसको लोगों ने अलाउ किया कि तुम जो है कपड़ा पीछे बांध सकते हो। हाँ हाँ मन प्रदास लीला, ये दाऊ जी का टेम्पल है। अच्छा, ये कृष्णा के ये मान रहा है उसमें। इसके बाद ही 3 घंटे का जो ये सेशन होता है ना, बोल गया मैम अमेजिंग, बहुत बढ़िया, ऐसे शुरू करते हैं मैम आगे। मैम मेरे पास है, मेरे पास है, मैं आपको हाँ श्योर। ये उसी मंदिर में मैम
इतना पब्लिक है और हम लोग को अलाउड नहीं है यदि हम और आप किसी समाज में से कोई जाएगा नहीं। ये जो गोस्वामी स्वामी समाज है जो उद्धव जी टेम्पल से जुड़ा हुआ है सालों से बरसों से, ये वही लोग होली खेल सकते हैं इसमें, वो भी इन लॉस कैन प्ले होली खेल सकते हैं, साली जीजा से भाभी देवर से ऐसा ही है। और ये इसमें इसमें कपड़े फाड़ते हैं उतर के शर्ट कुर्ता वगैरह और उससे लेके मारा करते हैं, और उस दिन सब एक्सक्यूज है सब, और गीला कपड़ा बहुत जोर से पड़ता है बहुत ये डांस कर रहा है मैं एक्चुअली, हाँ डांस कर, इसके कपड़ा पड़ा है ना इसके लिए, देखिए ये कपड़ा है ना, ये इधर से लेडी ने मारा इसके गर्दन में अट्टा इसके लिए झुक गया है, हाँ ऊपर से मारा ना ये लेडीज। That is why, you know, मैंने थीम रखा है इनक्रेडिबल इंडिया सीरीज वन, सो मैं इसको ना कंटिन्यू भी कर सकता हूँ, मुझे किसी और की लाइन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक्चुअली लॉर्ड ये जो दाऊजी है ना, दाऊजी की टेम ये दाऊजी की सवारी का ये वो है चिन्ह है सिंह, ये दाऊजी की जब सवारी निकलती है ना सात चक्कर लगाते हैं, सात या ग्यारह चक्कर लगाते हैं, उसमें क्या भाई दाऊजी टेम श्री कृष्ण जी जो थे ना उनके बड़े भाई का स्थान था, ये उनका मंदिर है बलदेव जी का मंदिर है, और उसमें जो है ना ये उनकी सवारी निकलती है, लेडीज क्या चारों तरफ मंदिर की खड़ी रहती है अंदर पंडाल में, और ये जेंट्स जो है ना उनकी सवारी लेके निकलते हैं, और लेडीज जो है ना जब आदमी लोग निकलते हैं ना उससे मारती हैं, ये राउंड में होता है वो नॉर्थ मैम। ये कुंभ का है 2010 में जो महाकुंभ हुआ था, जो 2012 में 12 साल के बाद आता है हरिद्वार में जो हुआ था नागा बाबा का ये, और इसमें मैम 13 अखाड़े हैं, 13 अखाड़े में से एक ये अखाड़ा है जो मतलब उस टाइम पे उनको इनको भी टाइम स्लॉट दिया था, नहीं तो अखाड़ों में आपस में लड़ाई हुआ थी मैम, पुलिस वाले खुद परेशान होते हैं मैम, नीचे से पानी गुब्बारा ये लोग फेंक देते हैं, जगह नहीं मिलती, हम लोग को पास इशू किया था वो भी 1.5-2 महीने पहले, और एक स्टॉल बना के रख दिया कि आप यहाँ से हिल, एंड दिस इज लाइक आपको लेके आया हिंदुस्तान के कन्याकुमारी, ये विवेकानंद रॉक है मेमोरियल है, और ये तमिलनाडु के पोयट का स्टैचू है जो 20 साल पहले बना था मैम, और यहाँ पे जब भी विवेकानंद जी बाहर तपस्या करने वो बाहर लेक्चर देने जाना था स्पिरिचुअल के ऊपर, उनको समझ नहीं आ रहा था, तो यहाँ जाके पर्वत पहाड़ के ऊपर उन्होंने मेडिटेट किया था। दिक्कत वही है ना क्या करें, एकदम बाइक मार रहे हैं।
एंड दिस इज ठीक है लेना चलिए I think this is the greatest achievement of my life, and I think I'm a very happy and the luckiest person that I've been an artist actually. And ये exhibition से मैं लोगों को वो दिखाना चाहता था कि हिंदुस्तान में कितनी खूबसूरत चीज़ें हैं, बहुत खूबसूरत हिंदुस्तान है. हमको हिंदुस्तान में घूमने के लिए हमें ज़रूर कम लगता है. जब भी ये दिमाग में मेरे आया कि मेरे को ऐसा कुछ सीरीज करना चाहिए, आई थिंक आई वॉज वेरी एक्साइटेड. मैं ये सोचने लगा कि मैं क्या कवर करूँ क्या ना करूँ. सो आई एक्चुअली काइंड ऑफ हैविंग काइंड ऑफ फाइव प्लेसेस, और मैंने वही पिक्चर लगाया जो मुझे बेस्ट लगते थे. सो मेरा मकसद लोगों तक पहुँचना है, मेरी आर्ट को लोगों तक दिखाना है, और मुझे ये लगता है कि मेरी ये ज़िंदगी कम है लोगों को अपना काम दिखाने के लिए, लोगों तक हिंदुस्तान की चीज़ों को पहुँचाने के लिए. भगवान ने हमको इतना कुछ दिया है, इस प्रकृति ने इतना कुछ दिया है, आई थिंक इससे बड़ा पुण्य का काम कुछ नहीं हो सकता. सो मेरा यही मानना है कि लोग आएँ और इसे देखें और अपने विचार व्यक्त करें, सो दैट हम अगली सीरीज में कुछ और अच्छा कर सकें और नए सजेशन दे सकें. थैंक यू. थैंक यू.